मिडल ईस्ट में मौजूद सऊदी अरब कुछ ऐसे पेड़ उगा रहा है जिनकी सहायता से बकायदा हवाई जहाज को भी उड़ाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट्स की वीडियोस में आपका स्वागत है। हम सब तो इस बात से वाकिफ है कि इस धरती पर मौजूद ऑयल अब खत्म होने की कगार पर है, और आज नहीं तो कल इस धरती पर मौजूद ऑयल रिजर्व्स तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन यह ऑयल हमारे धरती को काफी ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन वाहनों का क्या जिनमें बैटरी से चलने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है? क्योंकि इस धरती पर चल 100% हवाई जहाज ऑयल से बने जेट फ्यूल से ही चलते हैं, जिस वजह से इस धरती पर हो रहे प्रदूषण में 2% प्रदूषण केवल हवाई जहाज के कारण हो रहा है, और ना हमारे पास इलेक्ट्रिक हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो इस परिस्थिति में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता और ना ही इस पृथ्वी को ज्यादा प्रदूषित करे। इस परिस्थिति में पेड़ पौधों से बनाया गया जेट फ्यूल काम आ जाता है, इसलिए सऊदी अरब में मौजूद लोग पेड़ पौधों की सहायता से तेल बना रहे हैं, जिसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी कहा जाता है। हालांकि ये बात किसी को बताई नहीं गई, लेकिन इस सस्टेनेबल फ्यूल को कई बार हवाई जहाज में इस्तेमाल किया गया है। दरअसल इस सस्टेनेबल जेट फ्यूल को बनाने की शुरुआत रेगिस्तान में होती है, जहां पर एथियड एयरवेज के द्वारा एक खास तरह के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, और इस पौधे को सेलिकॉर्निया प्लांट्स भी कहा जाता है। इन पौधों की एक खास बात है कि यह पौधे सिर्फ समुन्दर के नमकीन पानी में ही बड़े होते हैं, इसलिए इन पौधों को साफ पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती। अब जैसे ही ये पौधे बड़े हो जाते हैं, इन पौधों में मौजूद छोटे छोटे सीड्स को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा किए गए सीड्स को कुचलकर वेजिटेबल ऑयल आखिर में प्राप्त होता है। इस वेजिटेबल ऑयल में इतनी एनर्जी मौजूद होती है कि आप इसे जेट फ्यूल में भी तब्दील कर सकते हैं। और यह सस्टेनेबल जेट फ्यूल पूरी तरीके से नॉर्मल जेट फ्यूल की तरह होने की वजह से इस सस्टेनेबल जेट फ्यूल को किसी भी तरह के हवाई जहाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि एक हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस सस्टेनेबल जेट फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी नॉर्मल जेट फ्यूल से भी ज्यादा रहती है, और इस सस्टेनेबल जेट फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होने के नॉर्मल जेट फ्यूल के मुकाबले करीबन 80% कम प्रदूषण होता है, और कार्बन फुटप्रिंट की अगर हम बात करें तो 100% कम हो जाता है। यानी कि सस्टेनेबल जेट फ्यूल का इस्तेमाल करके हवाई जहाज को उड़ाने से पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। दरअसल सस्टेनेबल जेट फ्यूल को पहली बार एथियड एयरवेज के द्वारा 2019 में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस सस्टेनेबल जेट फ्यूल को आज तक काफी कम बार इस्तेमाल में लाया गया है, क्योंकि सस्टेनेबल जेट फ्यूल नॉर्मल जेट फ्यूल के मुकाबले काफी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इस सस्टेनेबल जेट फ्यूल को भी सस्ते में बनाया जा सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ पौधों से बने जेट फ्यूल तक खत्म नहीं होती। भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी से शक्कर, मकई और कचरे से भी सस्टेनेबल जेट फ्यूल को बनाया जा सकता है, जिससे भी हवाई जहाज को उड़ाया जा सकता है। इसलिए हमें सस्टेनेबल जेट फ्यूल को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पौधे से बने सस्टेनेबल जेट फ्यूल से हवाई जहाज को उड़ाया जाए और इस धरती पर प्रदूषण कम करके इस धरती को रहने लायक बनाया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस धरती माँ पर रह सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे किसी और नई वीडियो में।